जन्नत में जाना चाहोगे, लेकिन दो शर्तें हैं। पहला, आपको ज़्यादा सारी नेकियां करनी पड़ेंगी और वैसे भी नेक रहना पड़ेगा अपनी सारी गुनाहों की ज़िंदगियों को छोड़ के। दूसरा, आपको मरना पड़ेगा, बट उसमें सैड होने की कोई बात नहीं, क्योंकि हर किसी ने एक ना एक दिन मरना है। लेकिन दुनिया में ये एक जन्नत का बाग दिखाऊं। वेलकम इन गार्डन ऑफ वीव, डोंट बी सीरियस। ये जैसे एक उसका नाम उन्होंने रखा है जन्नत के बागों के, अम्मा हवा के नाम का उन्होंने बाग बनाया है। ये बस एनवायरनमेंट वैसे का है, कैसे का है, पूरा इसका एम्बियंस को एंजॉय करो, अच्छे सिनेमैटिक्स एंजॉय करो, फिर इसकी खाने की टेबल पर मिलते हैं। हैव वी गो। होप सो के आपको इनकी एम्बियंस अच्छी लगी हो। सो आज काफ़ी देर के बाद दोबारा हम किचन में अटैक करने जा रहे हैं। इनके किचन पे भी छापा मारते हैं कि कितने जितना बाहर से साफ है अंदर से भी साफ है कि नहीं। लेट्स फाइंड आउट। परफेक्ट। ये हमारी मेन डिश, इसको आपने बनते हुए तो देखा, इसका नाम है कोटन ब्लू और इसकी सारी प्रेजेंटेशन ये आपने अच्छी तरह सिनेमैटिक्स आपने सारे देख लिए होंगे। सो बस इसको और देर नहीं करवाते, इसको ब्रेक हैबिट पैसे इसको खाते हैं। सो बैक अगेन विद स्पॉन्सर सरप्राइज। गला गला हो गया यार, बाकी हेड्स ऑफ है कि इतने जोन से सारे जोन से शेफ इनके अंदर किचन में लगे, तो बहुत गर्मी थी, मुझे गर्मी लगने लग रही बहुत, महंगा जल्दी जल्दी बस इनसे सीन कर लो। इसकी तो बिल्कुल भी तारीफ नहीं करेंगे, वो जैसा है आपको पता ही है। सो लेट्स गो विथ कॉटन ब्लू। वाह, आई ऑलरेडी ट्राई दिस बिफोर, लेकिन इस दफ़ा अगेन, लेकिन उस रेस्टोरेंट में मैंने इसके मेकिंग के सीने किए थे और उधर इस डिश का सेम डिश का नाम था कैलिफोर्निया चिकन। ये वीडियो है इसकी, अगर वो इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। इसकी आप फिलिंग चेक करें, अंदर चिकन का पार्ट कितना है और ऊपर से जो इसकी जो इन्होंने टॉपिंग की है वो कितनी क्रिस्पी और वो सारी स्मूदी जो हुई है उसकी लेयर भी इतनी मोटी आपको नज़र आएगी, क्रिस्पी क्रिस्पी, जिसका आपका मज़ा आएगा। ये इनकी वाइट सॉस जिसके बीच में इन्होंने थोड़ा सा टेक्स्चर ऐड करके ये इसके सारे टॉपिंग, ये येलोइश कलर इसलिए हुआ है। सो लेट्स जस्ट हैव इट। क्लैपिंग फॉर दैट। काफ़ी टेस्ट अच्छा है, बिल्कुल स्मूदी सा है। ऊपर से स्टफ चिकन का जो सा है ना, थोड़ा सा मस्टर्ड सॉस भी इन्होंने ऐड की थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा माइल्ड लग रहा है। अंदर से जो सा उसका चिकन पर बिल्कुल सॉफ्ट है, वो भी नहीं कि ज़्यादा फ्लेवरलेस हो, अंदर तक चिकन तक उसके फ्लेवर्स हैं, बड़ा सा चुंगीज है। ऊपर वाला जो सा ये क्रिस्पी पार्ट है, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगता है। वेजिटेबल और सब्जियों का बादशाह ब्रोकली जियो। सो इसको एंड करने दो, बाकी डिटेल इसके बाद में देता हूँ। तो परफेक्ट, आफ्टर फिनिशिंग द फूड, सबसे पहले तो इसके बात करें, पहली दफ़ा ये सारे करते हुए ये जो से इनके टोस्टेड पोटैटो है, पहली दफ़ा मुझे इतने अच्छे लगे, क्योंकि वो फ्लेवर थे, प्लेन ही थे, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छा मुझे लगी।
उसके बाद करेंगे उसकी जो सी आपके आउटर साइड और इनर साइड की दोनों की मैंने आपको दिखा दी थी और बता भी दी थी कि कितनी अच्छी तरह वो वेल कुक थी, फ्लेवर वाइज कितना ज़्यादा उसके अच्छे आए थे। ऊपर से जो उनसे थोड़े थोड़े स्पाइसेस उन्होंने स्प्रिंकल किए थे ना, वो अब जाके डाइनिंग पे जब हमने खाने लगे तब वो पॉपअप हुए। इसके रेटेक्स की बात करें तो ये इसके रेटेक्स थे, नॉट स्पॉन्सर, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन स्टिल इफ यू लाइक इट, ये काफ़ी अच्छा मोमेंट है। अगर आप आना चाहें तो मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, सिर्फ आपके लिए बगैर पैसे लिए मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, कोई फ़ायदा होना चाहिए। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल। आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट यू एंड स्टे सेफ।